नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीके व्लॉग्स पे। तो भाई एक व्लॉग और लेके आगे लोकेशन एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं आपके लिए। जो हॉन्टेड लोकेशन है उसको हम समझने के लिए जा रहे हैं पहले कि दिन शाम के टाइम पे क्या फील है, क्या कंडीशन है, क्या लोकेशन है, कैसी वहाँ पे सिचुएशन है, जाने की, आने की, रुकने की। 50 चीज़ें 50 सवाल और उसके साथ हमारी एक छोटी सी विजिट है बस। ठीक है, चलते हैं। तो कहानी हमारे साथ बताने वाले काफ़ी सारे लोग हैं, तो देखते हैं क्या कहानी होती है, क्या है कहानी में और क्या क्या सच्चाई है, क्या 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 मिथ है। तो सब चीज़ें तोड़ेंगे, क्लियर करेंगे और जो है वो बताएंगे, दिखाएंगे। तब तक ले बने रहिए सीके ब्लॉग्स पे। तो भाई पहुंच चुके हैं लोकेशन पे और लोकेशन में सामने यहाँ पहाड़ हैं पूरे के पूरे और ये पूरा प्लॉट का एरिया है जो कि इस बंदे का प्लॉट है और इसको भी पता नहीं है कि ये हॉन्टेड है। एक्चुअल में यहाँ के लोगों ने बताया कि ये हॉन्टेड है कहानी यहाँ की, जो बोलते हैं लोग, और इस मकान पे कोई रह नहीं पाता है ऐसा कुछ कहने का यहाँ पे है सिस्टम। और देख लेते हैं चारों तरफ से एक बार इसको, क्या सीन है क्या नहीं है। बट कहते हैं कि ये घर है और इस घर के अलावा कुछ नहीं है। पूरे प्लॉट में जो है कहानियाँ मौजूद हैं, कहानी सुनेंगे अभी। इसमें है कहानी मौजूद पूरी इस प्लॉट में। अब कहानी पता कर लेते हैं जो लोकेशन है। आसपास घर ज़रूर हैं लेकिन ये पूरा एक आइसोलेट जगह है। तो ये है लोकेशन। तो भाई फिलहाल घर पहुंच चुके हैं, बिस्तर पे लेट चुके हैं। कहानी अधूरी छोड़ दी थी क्योंकि वहाँ पे कोई स्टोरी सुनाने को रेडी नहीं था। तो कहानी मैं आपको बता देता हूँ। उस लोकेशन पे कहानी ऐसी है कि लोग कहते हैं कि वहाँ कोई सिटी पर जाता है और कोई वहाँ पे रह नहीं पाता। उस जगह पे लोगों ने रहने की कोशिश भी करी, कई लोगों ने आसपास भी मतलब वहाँ कुछ करने की कोशिश करी तो उनके साथ में हादसे हुए। तो उन्होंने चैलेंज किया सीधे सीधे कि अगर आप यहाँ रुक गए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है अपने लिए जिसको पूरा करना है। अब ये सपोर्ट आपने करना है भाई, वीडियो को फैलाओ ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हम उस चैलेंज को पूरा करें। तो आप लोगों ने बताना है कि चैलेंज को पूरा कैसे किया जाए, कैंपिंग की जाए वहाँ पे। मेरे माइंड में तो ख्याल ये है कि हम उस जगह पे कैंपिंग करेंगे तो वो चैलेंज पूरा जाएगा, एक रात रुकने का पूरा वहाँ पे। शाम से लगा देंगे टेंट और मतलब जो है पूरी रात रुकेंगे। आज हम गौशाला वगैरह गए थे तो आज दो व्लॉग बन गए हमारे, एक तो हमारा गौशाला का व्लॉग बना है और एक दूसरा हमारा ये हॉन्टेड लोकेशन का जो हमने कवर करी है। तो स्टोरी और हम उस जगह को बदनाम भी नहीं करेंगे, उस जगह के बारे में हम बताएंगे नहीं, डिटेल नहीं देंगे। और किसी को चाहिए होगी डिटेल तो पर्सनली हमसे मांग सकता है, पर्सनली हम दिखा सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना कि वो फिर वो ज़मीन बिकने में बहुत दिक्कत आ जाती है, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि हमारा काम जो होता है ना वो ये होता है कि भाई हम उस लोकेशन का मिथ ख़त्म करें ऐसी जगहों का। क्योंकि जब कुछ लोगों को कुछ भी फील होता है तो उसको भूत से जोड़ देते हैं कहानियों में। तो जो भी कहानी है जैसी भी है आपके सामने मैंने बता दी है। वहाँ मतलब कुछ ऐसे हादसे हुए हैं, सारी स्टोरी हम डिटेल में बता नहीं सकते। लाइक कुछ ट्रेजडीज ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से वहाँ पे वो हॉन्टेड एक्टिविटी आज तक होती है। बट कहानी जो भी है हम सीधे सीधे अब इन्वेस्टिगेशन पे जाएंगे और देखेंगे क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। जो भी कहानी रहेगी उसको एक्सप्लोर करेंगे। बस ये है कि हाँ हमें काफ़ी सारी चीज़ें मतलब जो छुपानी भी है, काफ़ी सारी चीज़ें हमें बतानी भी है और काफ़ी सारी इन्वेस्टिगेशन हमें डिटेल में करनी भी है। तो पूरी रात रहेगी, एक मोहल्ले के अंदर का सीन है ये और प्लॉट है, घर है, लेकिन बोलते हैं कि आप प्लॉट में भी अगर आप रुक गए तो फिर आपके साथ में बहुत कुछ बुरा हो जाएगा। तो देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। बट स्टिल फिलहाल जो भी है सब कुछ मैंने आपको दिखाई दिया है, लोकेशन आपको दिखाई दी है। और सपोर्ट करो वीडियो को, बढ़ाओ आगे ताकि हम जल्दी जल्दी वीडियो लेके आए। तो अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।